मंदसौर जिले के आखिरी छोर पर बसे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से लगे गांधी सागर के झील महोत्सव का 5 फरवरी से पर्यटकों के लिए खोका भव्य रूप से शुभारंभ, जिसे देखने पहुंचेंगे आसपास के क्षेत्र के कई पर्यटक। इस महोत्सव को लेकर गांधी सागर में की जा रही है वही भव्य तैयारियां, तो वहीं गांधी सागर का भव्य अभयारण्य में भी बसा हुआ है मनोरम दृश्यों के साथ ही। यहां पर तेंदुए, चीतल, मगरमच्छ सहित चंबल नदी के किनारे बसे अभयारण्य में देखने को मिल सकते हैं। वहीं 1 फरवरी से यहां पर झील महोत्सव को लेकर आयोजन की शुरुआत हो जाएगी, तो वहीं 5 फरवरी से पर्यटकों को लिए ये जो झील महोत्सव है वो खोल दिया जाएगा। यहाँ टोटल 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ टोटल 50 टेंट्स कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे टेंट्स के अंदर 3 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के टेंट्स रहेंगे। रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उसके सिवा अन्य गेम्स की व्यवस्था है, खेलने कूदने की व्यवस्था है, एयर एक्टिविटीज़ होंगे, वाटर एक्टिविटीज़ होंगे। स्टार्टिंग के 5 दिन जो है म्यूज़िकल फेस्ट होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे, यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर उस तरीके से रहेगा। देखिए, गांधी सागर में रहने वाले हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मध्य भारत के गिने चुने रमणीय स्थानों में एक गांधी सागर है जहां हम रह रहे हैं। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जब यहां नज़र पड़ी तो उन्होंने यहां पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के मार्फत एक बहुत ही सुंदर यहां पर रिसोर्ट का निर्माण करवाया, और जिससे पर्यटन क्षेत्र को पर्यटन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर उम्मीदें हो गई है।